Assalamualaikum, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So, इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन करेंगे फॉर बोर्ड एग्जाम 2023 सेकेंड ईयर जोलॉजी के इम्पॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन. ये रीजनिंग क्वेश्चन 11 है टोटल. इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि इसी में से आ जाए. ये बहुत सारे पेपर्स प्रीलियम्स पेपर में भी आ चुके हैं एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 10 ईयर्स के भी है. सो स्टार्ट करते हैं. इसमें मैं क्या करूँगी कि मैं आप लोगों को आंसर्स बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी, आप खुद से लिख सकते हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डू स्केलेटल मसल्स शो फटीक आफ्टर हैवी एक्सरसाइज. सो स्केलेटल मसल्स फटीक हो जाते हैं हैवी एक्सरसाइज के बाद, क्योंकि क्या होता है, हमारे मसल्स में एक्युमुलेशन हो जाती है एक टॉक्सिक सब्सटेंस की जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड. ये होता है कि जब हैवी एक्सरसाइज करता है ना तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की उतनी मिलती नहीं है, ऑक्सीजन की कमी डिफिशियंसी हो जाती है, एटीपी की डिफिशियंसी होती है और लैक्टिक एसिड की एक्युमुलेशन हो जाती है जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो वो फिर प्रोड्यूस करता है एक टायरिंग इफेक्ट जिसको हम कहते हैं मसल फटीक है. सो हैवी एक्सरसाइज अंडरगो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन में अंडरगो चला जाता है जिसकी वजह से प्रोडक्शन होती है एक टॉक्सिक सब्सटेंस लैक्टिक एसिड की. सो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई आर प्लाज्मिड यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सो क्या होता है कि हमें रिकम्बिनेंट डीएनए को प्रिपेयर करने के लिए एक वेक्टर टूल चाहिए होता है जिसको हम बेसिक टूल कहते हैं. वो वेक्टर होता है प्लाज्मिड. एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है बैक्टीरिया में, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है. ये वेक्टर यूज होता है एज अ वेक्टर इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में. ये ना क्या होता है, ये इंडिपेंड होता है, लाइक डिपेंड नहीं करता किसी पे और ये रेप्लिकेट हो जाता है इंडिपेंडली होस्ट सेल्स के क्रोमोसोम्स. और फिर कोई भी आप किसी भी सोर्स से कोई भी चीज़ लें, क्रोमोसोम्स लें और फिर इसमें इंजेस्ट कर दें फॉरेन जीन जो इसके लिए कहलाएगी, और फिर क्या करता है, ये डिजायर्ड जीन को जनरेट करता है होस्ट सेल में. सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि प्लाज्मिड यूज होता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एज अ वेक्टर. क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज ओजोन लेयर बीइंग डिप्लेटेड. सो आपको ये पता होगा कि ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव कोट के तौर पे यूज होती है फॉर द लाइफ ऑन अर्थ. ये हार्मफुल रेडिएशन जो है ना अर्थ की, वो फिल्टर होती हैं इस लेयर से जिसको हम ओजोन कहते हैं. और ये डिप्ली अच्छा ये कैसे होती है कि एक होता है सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कोई भी इनर्ट गैसेस होती हैं ना इनको रिलीज कर जाती हैं और फिर एक एक क्लोरीन एटम रिएक्ट करता है मोर देन 100,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन. सो दैट्स वाई क्या होता है कि इसकी ओजोन की डिप्लीशन होना शुरू हो जाती है और फिर अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस अर्थ में आने लगती हैं और फिर क्या होती है, डिप्लीशन हो गई ओजोन लेयर की, अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन पेनिट्रेट्स करती हैं, स्किन कैंसर और लेथल इफेक्ट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, बहुत सारी रेडिएशंस पहुँचेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इसके. सो ये होती है डिप्लीशन और ये होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से. क्वेश्चन नंबर 4 है, हर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. सो मेन हम यूनेबल होते हैं कि वो डेवलप ना हो सके बॉडी टेम्परेचर पे. सो दैट्स वाई मेल गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द बॉडी कैविटी, क्योंकि इनको एक कूलर एनवायरमेंट चाहिए होता है देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये फंक्शन कर सकें, अपना नॉर्मल फंक्शन कर सकें, स्पर्म को प्रोड्यूस कर सकें, दैट्स वाई. क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ आर पैराथायरॉइड हार्मोन एंड कैल्सीटोनिन एंटागोनिस्टिक नेचर. यहाँ पे गलती हो गई है, ये पैराथायरॉइड हार्मोन होगा. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पैराथायरॉइड हार्मोन और कैल्सीटोनिन एंटागोनिस्ट नेचर दोनों इसलिए होते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट काम करते हैं. पैराथायरॉइड हार्मोन जब आता है, जब रिलीज होता है, जब लो लेवल होता है कैल्शियम का इन द ब्लड, अब क्या होगा कि ये आएगा और ये रीअब्सॉर्ब करेगा कैल्शियम को किडनी में और फिर ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की भी डीमिनरलाइजेशन करता है जो बोन को ब्रेक करते हैं. सो कि रिलीज हो सके कैल्शियम इन द ब्लड. जबकि कैल्सीटोनिन जब आता है, जब बहुत ज़्यादा ब्लड में कैल्शियम होता ही है और उसको स्टोर करने के मतलब बोन्स में पहुँचाने के लिए, तो ये इसलिए होता है एंटागोनिस्ट नेचर. कोजिकल ट्विंस ऑफ द सेम सेक्स, आइडेंटिकल ट्विंस के पास सेम सेक्स इसलिए होता है क्योंकि ये एक ही जायगोट से बने होते हैं, सम हाउ डिवाइड हो गया वो माइटोसिस के जरिए सेपरेट ब्लास्टोमेयर्स में एंड देन फिर वो डेवलप हुए अलग सेक्स में अलग इंडिविजुअल में. व्हाट इज जेनेटिक मोनोटोनी एंड इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड. जेनेटिक मोनोटोनी एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें जनरेशन आफ्टर जनरेशन बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर ऑफ स्प्रिंग होते हैं रिजल्ट होता है. ये जेनेटिक मोनोटोनी रिजल्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें कोई वेरिएशन होती ही नहीं है और प्रोग्रेनी बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखती है और आफ्टर जनरेशन टू जनरेशन की एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से. क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेल्प इन सॉल्विंग क्रिमिनल केसेस. ये क्वेश्चन मैंने करवाए भी हैं, आप देख भी सकते हैं.
तो क्रिमिनल केसेस में इसलिए ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है क्योंकि एक्चुअली वेरिएबल होते हैं बहुत, सबके अलग लेंथ होती है उनकी, क्या होती है कि नॉन फंक्शनल डीएनए की अलग लेंथ होती है जो पास होती है ऑफस्प्रिंग में, लाइक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, डिफरेंट पैटर्न होता है, फिंगर प्रिंटिंग में डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न डिफरेंट होता है और ये हम डिटेक्ट कर सकें डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस से। सो ये होती है कि ये इसलिए क्रिमिनल केसेस में हेल्प करता है क्योंकि हर एक पर्सन का वेरिएबल विचुअल यूनिक लेंथ होती है नॉन फंक्शनल डीएनए की, क्योंकि ये क्या होता है कि ये हमारी बॉडी खुद इसको कन्वर्ट कर लेती है डोपामाइन में, जिसकी कमी की वजह से पार्किंसंस डिजीज होती है। सो ये था पार्किंसंस डिजीज में। क्वेश्चन नंबर 10 है, वायर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर मॉलिक्यूलर सीजर्स। मॉलिक्यूलर सीजर्स को हम इसलिए कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को इसलिए मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं क्योंकि ये ऐसा सीजर काम करता है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करता है कि स्पेसिफिक साइट्स पे, जिसको फिर प्रोड्यूस कर देता है उसको स्टिकी एंड्स। सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि सीजर के तौर पर बिहेव करता है, कट करता है डीएनए फ्रेगमेंट्स को, दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूलर सीजर के तौर पर बिहेव कर रहा है। 11 है, वाइज क्लेवेज इन बर्ड्स मीरोप्लास्टिक एंड डिस्कोइडल। सो क्या होता है कि क्लेवेज इसलिए हैंस एग में बर्ड्स में मीरोप्लास्टिक एंड डिस्कोइडल टाइप कहलाती है। मीरोप्लास्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो क्लेवेज होती है ना वो स्मॉल एरिया होती है जर्मिनल डिस्क में टेक प्लेस होती है, इन द स्मॉल एरिया ऑफ द जर्मिनल डिस्क, दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ये मीरोप्लास्टिक क्लेवेज है। और डिस्कोइडल टाइप इसलिए हम कहते हैं कि लाइक अगर अदर सब्सटेंसेस की बात की जाए तो जैसे योक होता है, एल्ब्यूमिन होता है, मेम्ब्रेन होती है, आउटर शेल होता है, तो वो डिवाइड नहीं होते और वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं अप टू द ब्लास्टोड डिस्क। सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ये डिस्कोइडल टाइप होता है और ये शो करते हैं मीरोप्लास्टिक एंड डिस्कोइडल टाइप। सो दैट्स इट, ये क्वेश्चन थे एंड मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह इसी में से होंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन हैं फॉर बोर्ड एग्जाम 2023। मेरी दुआ है कि यही आ जाए इंशाल्लाह। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दीज क्वेश्चन सो लेट मी नो, इंशाल्लाह विल टेल यू एंड सॉल्व योर क्वेरी, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर विद योर फ्रेंड्स टू। अल्लाह हाफिज़।